नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं अपर्णा कपुरिया आपके शहर वाराणसी से हूँ। सर, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मैं यहाँ वाराणसी में जनौषधि स्टोर चलाती हूँ। जनौषधि स्टोर में 1 रुपए का सैनिटरी नैपकिन मिलता है। कितने समय से चला रही हो अपर्णा जी? 18 महीने हो गए सर चलाते हुए। जी जी, तो 1 रुपए का सैनिटरी नैपकिन मिलता है। जैसे अच्छा, मुझे ये बताइए जी, ये जन औषधि केंद्र आपको मिला तो किसी की सिफारिश लगानी पड़ी थी क्या? जी बिल्कुल नहीं। किसी को रिश्वत देनी पड़ी थी क्या? मैंने किया था लाइसेंस के लिए। किसी को रिश्वत देनी पड़ी क्या? जी बिल्कुल नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं सच बताइए। सच सर? अच्छा सर, ऐसा नहीं है। हमको पता चला था ये लखनऊ से कि एक्चुअल में सर मैं 8-10 साल से मेडिसिन लाइन में हूँ और हम कैंसर मेडिसिन में काम कर रहे थे, तो उसके तहत मैं गरीबों को या जरूरतमंद को मेडिसिन देती थी, डिस्ट्रीब्यूट करती थी फ्री में। फिर हमको पता चला कि जनौषधि में बहुत सस्ती दवाई हैं क्योंकि ये जेनेरिक मेडिसिन है। फिर हमने और अधिक पता करा और फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। फिर हमने जनौषधि एक एक करके जिन जगहों पे जरूरत थी वहाँ स्टोर खोलना शुरू किया। अभी मेरे 8 स्टोर हैं बनारस में और एक रॉबर्टगंज सोनभद्र में है। तो मैं फिर उसके बाद ये इतनी कम दाम की दवाइयाँ थी ताकि लोगों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके, क्योंकि जो कैंसर की मेडिसिन होती है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है सर। एक मेडिसिन होती थी तो 1800 रुपये की, जहाँ पे 800 की मिलती है जनौषधि पे, प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र पे 800 रुपए में मिलती है। तो उसके बाद हम लोग को लगा नहीं ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर हम इस तरह से जनौषधि स्टोर्स खोलते हैं और लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले इस चीज का। फिर हमने एक एक करके जनौषधि स्टोर्स खोलना शुरू किया और अब पूरी तरह से मैं और मेरे पति, मेरे परिवार के सभी लोग इसी योजना में लगे हुए हैं ताकि लोगों को अधिक से अधिक अवेयर किया जाए जेनेरिक मेडिसिन के लिए और उनको अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ हो सके, सस्ती दवाइयाँ मिल सके। और सर मैं बताना चाहूँगी कि जो सीनियर सिटीजन है और ये महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा लाभ उनको मिल रहा है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि सीनियर सिटीजन है जो उनको उनकी पेंशन होती है वो सारी दवाइयों में खर्च हो जाती है, क्योंकि महीने की दवाइयाँ लेते हैं वो। अब क्या है कि जो पैसे बचते हैं वो अपने परिवार पे या पौष्टिक आहार लेने के लिए वो खत्म कर यूज़ कर पाते हैं उन चीज़ों को। और महिलाएं हैं जो सैनिटरी नैपकिन नहीं भी यूज़ करती थी। मैं गांव में जाती हूँ, स्कूल भी अडॉप्ट करती हूँ और उनको अवेयर करती हूँ कि सैनिटरी नैपकिन कैसे वो यूज़ कर सकती हैं इतने कम दामों में, तो कोई भी ले सकता है। मैं तो अपने तरफ से देती भी हूँ उन लोगों को, लेकिन साथ ही वो स्टोर्स पे आके उन नैपकिन को ले सकते हैं, महीने का ले जाते हैं। तो सर मैं बताऊँ कि महिलाएँ आती हैं पूरे पूरे 2-2, 3-3 महीने का, आस पड़ोस के लोगों का भी लेके जाती हैं अपने संग। और कहीं ऐसा तो नहीं है ना, कहीं ऐसा तो नहीं ना कोई 1 रुपए में ले जाता है और जाकर के 2 रुपए में बेचता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, क्योंकि उस पर प्राइस लिखा हुआ है तो लोग इतने पढ़े लिखे तो होते ही हैं गांव में भी अब कि ये जान सके कि ये। अच्छा, पहले जितने लोग ले जाते थे, जितनी बहने ये सैनिटरी नैपकिन ले जाती थी, अब संख्या बढ़ी है क्या? बहुत ज्यादा सर, बहुत सर। मैं पर मंथ 4 लाख नैपकिन तो बेचती ही बेचती हूँ अपने स्टोर से मैं सर। और बिल्कुल गरीब गरीब माँ बहनों को भी पता है कि ऐसा लेना चाहिए? पता है सर, पता है। वही सर मैं बताने जा रही हूँ कि मैं जन औषधि मित्र, एक मेरी मुहिम चलती हैगी जिसके तहत मैं महिला मित्रों को जोड़ती हूँ और वो अधिक से अधिक और महिला मित्रों को अपने साथ जोड़ती हैं ताकि माउथ पब्लिसिटी से और लोगों को पता चल सके कि यहाँ कितने कम दामों में सैनिटरी नैपकिन है, साथ ही दवाएं भी कितने। जो हमारे यहाँ काम करती हैं महिलाएं वो बीच में क्या करती थी, दवाइयाँ छोड़ देती थी सर, और पता चला कि फिर ऐसे ही आ रही हैं, बीमार पड़ रही हैं, बच्चे सफर कर रहे हैं, लेकिन अब वो कंटिन्यूसली रखती हैं उन दवाइयों को। और मेरी महिला मित्रगण जो हैं वो इस मुहिम में सबसे आगे रहती है ताकि उनको बराबर अवेयर करती रहे कि हमें और भी 8-10 लोगों को आगे आगे बताते जाना। इसके लिए मैं एक लॉटरी सिस्टम में निकालती हूँ सर, ताकि जो आगे लोग बता रहे हों कि महिला मित्र क्यों बनाए हम, तो उनको जब वो लोग महिला मित्र अपने साथ लाती हैं या कोई भी वर्ग के लोग लाते हैं या पुरुष भी हो सकते हैं उसमें, तो फिर हम उनके लिए लॉटरी निकालते हैं और उनको दवा फ्री देते हैं ताकि उनका एक जोश बरकरार रहे कि अच्छा हम इस मुहिम से जुड़े हैं तो इसके हमें क्या लाभ है। तो महिला मित्र हमारी सर आप देख भी सकते होंगे मेरे पीछे बहुत सारी मेरी महिलाएं मित्र इकट्ठी हैं आज यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में। और सर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैं अपने स्टोर के माध्यम से मैंने 25 लोगों को रोजगार दिया हुआ है और साथ ही उसमें महिलाएं भी हैं, दिव्यांग भी लोग हैं, अदर लोग भी हैं।
सर, तो इसलिए इस योजना से हम लोग को अलग अलग तरीके से लाभ हुआ है सर, और ये लोग महसूस कर पाते हैं आज के टाइम में सर। सर, जैसे आप महिलाओं के लिए अनेक स्वास्थ्य योजना लाए, टॉयलेट है, उज्ज्वला है, सैनिटरी नैपकिन्स लाए, और आपने समाज की पुरानी सोच को चुनौती दी, और ये बिल्कुल मन में आपने चिंता नहीं की कि समाज कैसा रिएक्ट करेगा, तो इसके लिए तो सबसे पहले हमारी बहनें और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं सर। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये सफलता मेरे कारण कम है, ये सफलता इसलिए है कि आप जैसी लाखों सक्रिय जागरूक बहनें अब इस काम को आगे बढ़ा रही है, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपने इसको सिर्फ व्यवसाय नहीं, एक जीवन का मिशन बना दिया है, और आपने लोगों को जागरूक भी करना और लोगों को मदद पहुंचाना, ये सारे काम आपने किए हैं, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और बनारस का मैं हूं, आपने मुझे एक नया आइडिया दिया, वो आइडिया लोगों ने सुना कि आपने महिला मित्र का एक संगठन खड़ा किया है। मैं और भी जन औषधि केंद्र के जो लोग बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि बनारस का ये बहन अपूर्णा का जो अनुभव है उसमें से आप भी जरूर सीखें। महिला मित्रों का एक संगठन खड़ा करके, खास करके सैनिटरी नेपकिन और पर्सनल हाइजीन में कैसे चिंता करनी चाहिए, अगर हमारी बहन बेटी माताओं की पर्सनल हाइजीन में हम मदद कर पाए तो हमारा समाज बहुत जल्दी स्वस्थ होता है, आने वाले बालक भी स्वस्थ होते हैं।